हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैं हूँ अमन और आज का हमारा ट्यूटोरियल है इलेक्ट्रो डांस स्टाइल पर। आज के इस ट्यूटोरियल में आप सीखोगे बेसिक मूव जिसका नाम है हैंड रोल। तो हैंड रोल इलेक्ट्रो डांस स्टाइल का एक बेसिक मूव है। तो हैंड रोल का बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि आपको सर्कल क्रिएट करने होंगे, आपको अपनी हैंड की हेल्प से सर्कल क्रिएट करना होंगे। तो हैंड रोल के अंदर कुछ 5 बेसिक मूव है जो कि आपको सीखना होंगे। तो हैंड रोल का जो फर्स्ट मूव है वो है सिंगल हैंड रोल, सेकेंड मूव है डबल हैंड रोल, थर्ड है फिक्स हैंड रोल और फोर्थ है रिवर्स हैंड रोल। हमारा फिफ्थ और लास्ट मूव होगा बिग हैंड रोल जिसे मैंने क्रिएट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अपने हाथ को चेस्ट के पास लाइए, अब रोटेट करते हुए ऊपर लेकर जाइए, अब स्ट्रेट कीजिए, फिर नीचे की ओर लाइए, फिर वापस चेस्ट के पास ले आइए। अब इसे फास्ट करने की कोशिश कीजिए, बस आपको इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना सीखना होगा। सिंगल रोल में आपको सिर्फ एक बार ही रोल करना होगा और साथ ही आपको सिंगल हैंड से ही रोल करना होगा। इसे आप डिफरेंट एंगल और डिफरेंट डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। यह मूव आपने एक्सरसाइज के ट्यूटोरियल में सीखा होगा, पर अब इसे सही तरीके से करना सीखिए और सही से रोल कीजिए। यदि आपने एक्सरसाइज का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए। डबल रोल, यह सेम सिंगल हैंड रोल की तरह है, बट आपको डबल हैंड रोल में अपने बोथ हैंड का यूज करना होगा। आप इसे भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही वे में कर सकते हो और इसमें भी आप डायरेक्शन और एंगल चेंज कर सकते हो। फिक्स्ड रोल, अपने लेफ्ट हैंड के एल्बो को ग्रैब कीजिए, फिर रोटेट कीजिए अपने लेफ्ट हैंड को, साथ में राइट हैंड के पाम को भी रोटेट कीजिए। फिक्स्ड रोल में आपको एल्बो के पार्ट को स्थिर रखने की कोशिश करनी होगी, और यदि आप फिक्स्ड रोल के रूल को ब्रेक करके करना चाहते हैं तो फिर आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। रिवर्स हैंड, अपने हैंड को स्ट्रेट करिए, फिर अपने हैंड को इस तरीके से मूव कीजिए, फिर चेस्ट के पास लेकर आइए, फिर इस तरीके से मूव कीजिए और स्ट्रेट कीजिए। धीरे धीरे इसे फास्ट करने की कोशिश कीजिए। इसे भी आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सीखना होगा। रिवर्स रोल में आपके हैंड अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, इसमें आपका एक हैंड एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा हैंड क्लॉकवाइज रोटेट होता है। बिग रोल, अपने हैंड को 90 डिग्री स्ट्रेट कीजिए, फिर रोटेट कीजिए और रोटेट करने के बाद आपको सेम सिंगल हैंड रोल करना होगा। बाकी यहाँ पर रोल सिर्फ सिंगल होना चाहिए, मतलब आपको सिर्फ एक बार ही सर्कल क्रिएट करना होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारा होगा टटिंग कॉम्बो पर। तो चलिए, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप डांसिंग।